इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डैनियल सेल्स, जो कि हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। देखिए, ये जो सेल होते हैं ये एक केमिकल सेल होते हैं, जिसमें जो डिवाइस होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एक केमिकल एनर्जी को और प्रोड्यूस करते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को। तो जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से में होती है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उन्हें गैल्वेनिक सेल्स भी कहा जाता है या फिर वोल्टिक सेल्स भी कहा जाता है। देखिए, इन सेल्स में क्या होता है जो कि हम क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, यानी जो हम पे एक साइड से ऑक्सीडेशन होती है दूसरी साइड से रिडक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स में हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर में जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 का सॉल्यूशन है और इसमें प्लेस की गई है जिंक की रोड, यानी ZnSO4 सॉल्यूशन में Zn यानी जिंक की ही, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक की ही रोड को प्लेस कर दिया गया है। और दूसरा बीकर है, दूसरे बीकर में हमारे पास कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में Cu जो कॉपर है, कॉपर की रोड को प्लेस कर दिया गया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर की रोड इसमें डाल दी गई है। अब ये जो दोनों बीकर्स हैं, दोनों को एक वोल्ट मीटर और स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इसमें ये हमारे रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को या फिर गैल्वेनिक सेल को। अब इनमें क्या हो रहा है, एक तो एक साइड जो जिंक रोड है वो नेगेटिव है और जो कॉपर की रोड है वो पॉजिटिव है। जिंक जो है वो एनोड की तरह वर्क कर रही है और जो कॉपर की रोड है वो कैथोड की तरह वर्क कर रही है, क्योंकि जिंक रोड से ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन अक्कर होगी, इसी वजह से इसे एनोड कहा गया है। यानी जिंक रोड से ऑक्सीडेशन होगी, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, जबकि कॉपर की रोड जो रोड है उसमें रिडक्शन होगी, यानी कि इसको कैथोड की तरह बोला गया है, इसे पॉजिटिव चार्ज लिया गया है। जो पूरी रिएक्शन होगी वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब इसमें जहां पे ऑक्सीडेशन अक्कर होती है उसे एनोड बोलते हैं, यानी कि जिंक उसे एनोड बोलते हैं, ठीक है, और जहां पे रिडक्शन अक्कर होती है, रिडक्शन होती है, रिड्यूस होते हैं, उसे कैथोड बोलते हैं। एनोड पे नेगेटिव पोल होगा, कैथोड पे पॉजिटिव पोल होगा। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं, तो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होंगे, जबकि जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी कि वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा। और जो केमिकल एनर्जी होगी रिडॉक्स रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होगी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें और आगे क्या है, इसी डायग्राम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो हमारे दोनों ब्रिजेस को हमने जोड़ दिया, इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। सॉल्ट ब्रिज जो है इसमें KCl, KNO3 या K2SO4 का सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले बात है कि सॉल्ट ब्रिज लगाते क्यों हैं, ये भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट को दोनों सॉल्यूशन के बीच में और बिना मिक्स हुए, ये मिक्स नहीं होता और एक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता है बिना मिक्स हुए। ये यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसमें अगर अगर या फिर जिलेटिन ऐड करके एक सेमी सॉलिड सॉल्यूशन बनाया जाता है और इसमें डाला जाता है। KCl, KNO3, K2SO4 कुछ भी इसमें यूज किया जा सकता है, ज्यादातर K2SO4 का इसमें यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जिंक रोड क्या करती है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है सॉल्यूशन में, ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन में। और यहां से जब इसमें स्विच ऑन होता है तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेती है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं और कैथोड तक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं,
जबकि जो करंट है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है, हमने इसमें K2SO4 का सॉल्यूशन लिया है। इसमें भी क्या होगा, K2SO4 K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि K पॉजिटिव इस साइड जाएंगे और SO4 2 नेगेटिव इस साइड जाएंगे। ये ऐसे क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे Zn 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे SO4 की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन अक्कर हो रही है, जिंक क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड पे जाएंगे। और कॉपर क्या करेगा, यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर की रोड दो इलेक्ट्रॉन को लेगी और कॉपर की रोड पे जो है वो कॉपर डिपॉजिट हो जाएगी Cu2 पॉजिटिव। यानी कि ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और टू पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, और इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। जबकि यहाँ पे रिडक्शन यानी कॉपर वाली साइड में, यानी राइट हैंड साइड वाले बीकर में क्या हो रहा है, जो कॉपर है ऑलरेडी इसमें टू पॉजिटिव है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर को कॉपर की रोड पर डिपॉजिट कर रहा है। तो दो अलग अलग रिएक्शन हो रही है, एक ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरी रिडक्शन हो रही है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, फिर कॉपर डिपॉजिट, क्योंकि वो डिपॉजिट होने लग जाता है कॉपर की रोड के ऊपर, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर क्या है कॉपर की रोड पे डिपॉजिट कर देगा। अब यहाँ ओवरऑल रिएक्शन देखें तो जिंक जो है, ये जिंक है और ये Cu2 पॉजिटिव है, जिंक टू पॉजिटिव को लूज करेगा यानी ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर उन्हें लेकर कॉपर को डिपॉजिट कर देगा यानी कि रिडक्शन होगी। तो ये ऑल ओवर इसमें रिएक्शन हो रही है, तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। अब जैसे कि सब दूसरा जो इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, वो है डैनियल सेल। डैनियल सेल में भी सेम यही होता है, ये डैनियल सेल का स्ट्रक्चर है। अब जो बाहर वाला अंदर जो है, अंदर का एक वेसल है जिसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और जिंक की रोड है, जबकि बाहर वाला जो वेसल है वो कॉपर का है और कॉपर के वेसल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक की रोड है और इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। और यहाँ पे पोरस ट्यूब होगी, पोरस ट्यूब जिसमें KCl यानी कि सॉल्ट ब्रिज का काम करेगी, जो KCl K2SO4 ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो ये बिना मिक्स हुए जो है उसमें, बिना मिक्स हुए जो उसमें आयंस को फ्लो करवाएगी उसका काम करेगी। सेम वही चीज है, दोनों को जोड़ दिया गया है वोल्टमीटर से। तो यहाँ पे क्या होगा, Zn फिर से 2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और कॉपर क्या करेगा, कॉपर में से Cu2 पॉजिटिव होगा, वो दो इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर को वेसल पे डिपॉजिट करता रहेगा, क्योंकि वेसल ही कॉपर का बना हुआ है। तो ये डैनियल सेल्स को रिप्रेजेंट करता है और यही रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करेगा, देखिए मूवमेंट करेगा आयंस को एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में, एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में आयंस भेजेगा बिना मिक्स किए दोनों सॉल्यूशन को, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर सर्किट में से फ्लो करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर सर्किट में से यानी वायर में से फ्लो करते हैं, और जो इनर सर्किट है वो कंप्लीट होता है फ्लो ऑफ आयंस की वजह से, और ये होता है हमारा सोल्ट ब्रिज, और इस तभी हमारा करंट फ्लो होता है। और दूसरा है कि जो साल्ट ब्रिज है ये हेल्प करता है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलाइजेशन को मेंटेन रखने में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलाइजेशन करता है। अब इसके अलावा अब दो रोड्स हैं जो कनेक्टेड की गई हैं कॉपर की वायर में, जिसमें से फ्लो हो रहा है करंट, यानी कि ये वाली वायर जिसमें से जिंक से कॉपर की तरफ क्या हो रहा है करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब जिंक के पास नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ट्रांसफर होंगे, तो नेट पॉजिटिव चार्ज जो होगा जिंक की रोड के पास ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ जो कॉपर है Cu2 पॉजिटिव आयन है, ये एक्सेप्ट कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो जिंक ने लूज किए हैं, ये उनको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि एक्सेप्ट करके कॉपर की रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाएंगे,
क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा तो SO4 2 नेगेटिव आयन्स ज्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या करता है कि इस तरह से ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये करंट को रोक देगा, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस तरह से ये जो सॉल्ट ब्रिज है अवॉइड करता है ऐसी सिचुएशंस में, उसकी ये जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है इसके थ्रू। तो ये जो है ये सॉल्ट ब्रिज के जो फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है इसके फीचर्स। देखिए फीचर्स क्या हैं कि सबसे पहले जो जिंक रोड है उस पर ऑक्सीडेशन अक्कर हो रही है, तो ये एनोड कहेंगे इसे। जबकि जो कॉपर की रोड है उस पर रिडक्शन अक्कर हो रही है तो उसे कैथोड कहेंगे, यानी एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जो ओवरऑल रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में वो दो आधी आधी रिएक्शन होंगी, यानी कि जैसे कि जिंक 2 पॉजिटिव को लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कॉपर उन्हें लेगा और कॉपर डिपॉजिट करेगा, तो दो हाफ हाफ रिएक्शन होगी, तब एक ऑल ओवर रिएक्शन बनेगी। दोनों बीकर्स में हाफ हाफ रिएक्शंस होती हैं। अब दो हाफ रिएक्शंस सिमटेनियसली होती हैं, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, सिमटेनियसली होती हैं। यानी कि अगर रिडक्शन होगी तभी तो ऑक्सीडेशन होगी। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, जबकि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये जो है ये इसके फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड्स की जो लूज या गेन करने की, वो एक रोड कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है या गेन कर रही है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोड जो है वो हाफ हाफ यानी हाफ सेल में हो रही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल भी कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रही है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, जबकि अगर रिडक्शन पोटेंशियल हो रही है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।